हेलो बच्चों, लेट सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट फोर चार्जेस टू इक्वल माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर एंड अ चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन द वैल्यू ऑफ क्यू इज। तो बेटा यहाँ पर जो फोर चार्जेस हैं वो कैसे चार्जेस हैं? निगेटिव चार्जेस हैं। और ये जो चार्जेस बेटा किस पर प्लेस है? दैट इज द फोर कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा हमने मान लिया, कंसिडर कर लिया, दैट इज अ स्क्वायर ए बी सी डी और इसके सभी कॉर्नर्स पे नेगेटिव चार्ज क्या है? प्लेस्ड है जाके। तो यहाँ पर सभी कॉर्नर्स पे क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज, दैट इज अ माइनस का क्यू, सभी कॉर्नर्स पे प्लेस्ड है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्मॉल क्यू चार्ज है वो सेंटर पे प्लेस्ड है जाके। तो यहाँ पर इस स्क्वायर का जो सेंटर पॉइंट होगा दैट इज सेट टू बी ओ पॉइंट पर हमने कंसीडर किया कि एक आपका क्यू चार्ज प्लेस्ड है। अब बेसिकली अगर हम बात करें, क्योंकि देखो बेटा ये सभी निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव के बिटवीन क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स एक्ट हो रहा होगा जाके। तो अगर हम इस ए पर फोर्स की वैल्यू देखें ड्यू टू बी, तो दैट इज अ एफ वन। ये फोर्स बेटा क्या हो जाएगा? एफ वन हो जाएगा। और डी के थ्रू देखेंगे तो ये भी बेटा कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा, दैट इज अ सेट टू बी एफ टू। और इस सी पर कैसा चार्ज है? निगेटिव। और ये निगेटिव निगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, दैट इज सेट टू बी एफ थ्री। तो बेटा एफ वन एफ टू और एफ थ्री ये क्या है? ड्यू टू निगेटिव चार्ज पर मतलब नेट फोर्स जो होगा वो बेसिकली क्या होगा? वो हम इक्विवेलेंट से कैलकुलेट करेंगे जाके। तो यहाँ पर इस निगेटिव चार्ज जो पॉइंट ए पर प्लेस्ड है इस पर थ्री फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं, दैट इज एफ वन एफ टू एंड एफ थ्री। और यहाँ पर सेंटर पर क्या है बेटा? क्यू चार्ज है। तो बेसिकली ये क्यू चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि जो सिस्टम है दैट इज इन इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब सभी चार्जेस क्या होंगे? इक्वल, यानी कि एक जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा जाके? यहाँ पर एफ वन एफ थ्री का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के थ्रू जो क्यू फोर्स होगा उसको क्या करेगा? कैंसिल आउट करेगा जाके। तो बेटा हमने यहाँ पर मान लिया ये जो फोर्स है दैट इज अ एफ फोर्स हो गया जाके, क्योंकि ये इस पर रिपल्सिव फोर्स अगर एक्ट करेगा तो वहां पर बेटा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो जो सेंटर पे जो चार्ज होगा यानी ये ओ पॉइंट पर जो चार्ज प्लेस है बेटा वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दैट इज एफ वन एफ टू एफ थ्री। तो बेसिकली अगर हम बात करें एफ वन एफ थ्री, तो हमने यहाँ पर मान लिया जो स्क्वायर साइड है इसकी दैट इज इक्वल टू ए के इक्वल है। तो यहाँ पर एफ वन फोर्स और एफ टू फोर्स की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? दैट इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू। यहाँ पर हम लोग बेटा क्या यूज कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और अगर हम एफ थ्री फोर्स की वैल्यू को देखें तो बेटा एफ थ्री ड्यू टू डायगोनल के थ्रू है बेटा। तो यहाँ पर बेटा अगर हम बात करें ए सी, यानी कि जो डिस्टेंस ए सी होगा वो क्या होगा? रूट टू ए का मतलब रूट टू ए होगा जाके। तो जो एफ थ्री की वैल्यू होगी वो बेटा क्या हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू ए का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अगर हम एफ वन और एफ टू का रिजल्टेंट जो होगा वो एफ थ्री के अलॉन्ग में वर्क करेगा जाके। ठीक है, तो अगर हम नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ए, तो यहां पर एफ वन और एफ टू और एफ थ्री का जो रिजल्टेंट होगा वो बेटा क्या होगा? एफ नेट होगा। जो एफ नेट होगा वो बेसिकली किसको बैलेंस कर रहा होगा? एफ को बैलेंस कर रहा होगा जाके। ठीक है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम के लिए एफ और एफ की वैल्यू बेटा क्या होगी? दैट इज इक्वल टू ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बिटवीन का जो फोर्स होगा। तो अगर हम यहाँ पर एफ की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज इक्वल टू के क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर अगर हम आर की वैल्यू को देखें तो आर बेसिकली क्या है बेटा? ओ ए के इक्वल है, और ओ ए की वैल्यू बेटा क्या होगा? दैट इज ए सी का हाफ होगा जाके। तो ए सी की वैल्यू बेटा क्या होगा? रूट टू ए का हाफ, सो दैट इज इक्वल टू ए बाई रूट टू के इक्वल होगा। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू को बेटा प्लेस करेंगे आर की वैल्यू को ए बाई रूट टू, तो दैट इज इक्वल टू टू के क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू को यहाँ पर प्लेस करते हैं तो देखो बेटा एफ नेट, तो बेटा एफ नेट जो है वो एफ के इक्वल होगा। तो जो एफ नेट की वैल्यू है बेटा वो बेसिकली क्या होगी? दैट इज इक्वल टू टू एफ वन प्लस एफ थ्री के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा ये F1 और F2 दोनों कैसे हैं? फोर्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? F डैश होगा। तो F डैश किसके अलोंग में वर्क कर रहा होगा? F3 के अलोंग में वर्क कर रहा होगा। तो अगर हम F डैश की वैल्यू को देखें तो दैट इज इक्वल टू टू रूट एफ वन हो जाएगा जाके। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर वैल्यू जो होगी टू रूट एफ वन या एफ टू, और साथ में क्या होगा यहाँ पर एफ नेट की जो वैल्यू, यानी कि एफ
ठीक इक्वल हो रही है जाके यहाँ पर देखिए बेटा, जिसको हमने एफ डैश बात किया जाके, और ये क्या है एफ थ्री, तो एफ डैश और एफ थ्री दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में जाके, तो यहाँ पर वैल्यू को बेटा प्लेस करते हैं, दैट इज अ एफ थ्री इज इक्वल टू एफ के इक्वल है जाके, तो दैट इज इक्वल टू एफ के इक्वल हो जाके, ठीक है। तो यहाँ पर रूट टू एफ वन, अगर हम एफ वन की वैल्यू को प्लेस करते हैं तो देखो बेटा रिजल्ट क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू टू, क्योंकि एफ वन की वैल्यू देखिए हमने क्या कैलकुलेट की है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सॉरी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए इन टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और एफ थ्री की जो वैल्यू है बेटा वो किसके इक्वल है, टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एफ थ्री की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू एफ के इक्वल है, तो बेटा एफ की जो वैल्यू है बेटा वो किसके इक्वल है जाके देखिए जरा, यानी कि एफ जो है वो है आपका 2kq into small q by a square, 2kq into q by small a square, तो देखो बेटा यहाँ पर अगर हम सभी को कैलकुलेट करते हैं kq, यहाँ पर जो कॉमन आएगी वैल्यू यानी कि दैट इज इक्वल टू 2q square प्लस का टू स्क्वायर अपॉन टू, और के बाई ए स्क्वायर दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू टू क्यू इंटू क्यू बाई टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से बेटा इसको कॉमन ले लेते हैं, क्यू को कॉमन ले लेते हैं, मतलब क्यू स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो देखो रिजल्ट क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लिया, दैट इज अ रूट टू प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू टू क्यू इंटू क्यू क्यू, ये कैंसिल आउट हो गया, और आपको किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना था, क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पर कैलकुलेट करने पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है क्यू इज इक्वल टू देखिए क्यू वाई, ये टू एलसीएम हो जाएगा जाके, एंड दैट इज अ टू रूट टू प्लस वन के इक्वल होगा, और जैसा कि आपको बताया मैंने यहाँ पर ये कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा जाके, ठीक है। अगर सपोज दैट नेगेटिव चार्ज होता तो जो एफ होता वो भी एफ थ्री के लॉन्ग में वर्क करने लगता, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में ना रहता, तो उस रिस्पेक्ट में जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज द सेकंड ऑप्शन इज राइट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।